बनने की होड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, आप जिस संज्ञान में होगा, ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा, और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण, जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना। तो सरकार में रहने वाले जितने भी लोग जितने तरीके से जनता से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सर, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार विरोधी दलों या विपक्षी दलों के बहुत चहेते बनते जा रहे हैं, बीजेपी किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अब ये समर्थन देते हैं? ये सब आप लोग अपने तरीके से विश्लेषण करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विश्लेषण करके बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने से कहा है मुझे रुचि नहीं इन चीजों। तो जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी, फिर इस पे प्रश्न उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा, ये दूसरा विषय पूछ रहे थे अभी। तो मैंने उस विषय पे कहा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, तो फिर उस पर अब किसी और के राय विचार की समस्त है। 5 साल सरकार चलेगी, देखिए इसलिए हम लोग 5 साल ही नहीं चलेगी, हो रही है कि 5 साल ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, और जनता का मिला समर्थन वाली सरकार है। विरोधाभास इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? राय अलग अलग दिख रही है। बड़ी सहजता के साथ आपको मैंने कहा, जब भी दो दल तीन दल होते हैं तो कहीं ना कहीं विचार में थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन ओवरऑल टारगेट, मकसद और कार्य प्रणाली, कार्य योजना क्या है, आप देखिए सब लोग एक साथ काम कर। देश के दो बड़े नेता हैं मुलायम सिंह, लालू यादव, उनके मुलाकात पर आपने ट्वीट किया है कि समाजवाद का खाली बस्ता लेकर लालू यादव मुलायम सिंह के पास चले गए हैं, डिजिटल इंडिया में अब उनकी ये विद्यालय नहीं चलेगी। नहीं, कौन विद्यालय? मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि देश अब विकास की ओर, देश का नौजवान आज डिजिटल इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टार्टअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टैंडअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, मेक इन इंडिया के साथ चलना चाहता है। तो जब देश का नौजवान आज इस दिशा में चलना चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो अब चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग यदि किसी राज्य के अंदर राजनीतिक दखल देना चाहेंगे तो वहां का जन समर्थन और नौजवानों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा, ये मैंने स्पष्ट। सर, एक सवाल है, क्या आपको भी अपने विभाग में काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आपके सहयोगी सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर परसों कहा है कि बहुत दिक्कतें होती है गठबंधन सरकार में काम करने में, कुछ मजबूरियां होती है। आज ही मैंने सारे अखबारों में सम्राट चौधरी जी का बयान पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा सम्राट चौधरी जी का बयान, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई अहम निर्णय लिए गए, और स्वास्थ्य विभाग ने किस प्रकार से काम किया है। मेरा 5वां साल शुरू हो गया है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, और पिछले 5 साल से स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो तस्वीरें कैसी बदली है मुझे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में जाएं, आज किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, अनुमंडल अस्पताल में चले जाइए, सदर अस्पताल में चले जाइए, जो तस्वीर है वो बया कर देंगे और वहाँ मिल रही सुविधा बता देंगे कि किस प्रकार से काम हुआ है। और हम मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और कई काम तो ऐसे किए हैं जो विश्वव्यापी है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देश का गौरव बनने जा रहा है, देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है, काम तो हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष